नमस्कार, मैं नासिर हुसैन और आप देख रहे हैं किसान तक। A1 और A2 दूध की लड़ाई छिड़ी हुई है। FSSAI अपने ही ऑर्डर को वापस लेकर इस मामले पर फंस गया है, लेकिन हम बात करेंगे ऑर्गेनिक दूध की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, खासतौर पर जो दूसरे प्लेटफॉर्म हैं, उस पर धड़ल्ले से ऑर्गेनिक मिल्क बेचा जा रहा है, ये कहकर कि ये प्योर, बिल्कुल एकदम सभी मानकों को पूरा करता हुआ ऑर्गेनिक मिल्क है। लेकिन पशु से ऑर्गेनिक मिल्क यानी ऑर्गेनिक दूध लेना इतना आसान नहीं है। इसके लिए चारे से लेकर जो उसका दाना है, जो एडिटिव्स हैं, इसके अलावा जो पशु की दवाइयां हैं, उस तक में सभी नियमों का पालन करना पड़ता है। इसके बाद कहीं जाकर जो ICAR की संस्था है वो ऑर्गेनिक होने का प्रमाण पत्र देती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये कोई एक या दो दिन में या 10 दिन में हो जाता हो, इसके लिए कई महीने उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आप अपने पशु को ऑर्गेनिक दूध के लिए तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे चारे की। पशु हरा चारा भी खाता है, सूखा चारा भी खाता है, मिनरल्स भी खाता है, यानी कि कुछ दाना जिसको फीड कहा जाता है। सबसे पहले हरे चारे की बात करें तो वो ऑर्गेनिक होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आपने अपने क्षेत्र में ऑर्गेनिक चारा उगा लिया और उसको पशु को खिला दिया, नहीं। इसके लिए ये ज़रूरी है, ये मानक भी हैं कि जहां आप ऑर्गेनिक चारा उगा रहे हैं उसके कुछ किलोमीटर के दायरे में, जो ICAR की संस्था का नियम भी कहता है, वहां भी ऑर्गेनिक फसलों की खेती होना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि होता ये है कि आपने तो अपने खेत में ऑर्गेनिक चारा उगा लिया, लेकिन जो आपका पड़ोसी है वो अपने खेत में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहा है, जिसका असर आपकी उपज पर भी देखने को मिलता है। इसके बाद बात आती है सूखे चारे की, जिसे हम भूसी भी कहते हैं, भूसा। ये किसी भी उपज का हो सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि जिस उपज का वो भूसा है उसका ऑर्गेनिक होना बेहद ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम मिनरल्स की, वो भी उपज का एक हिस्सा है, वो भी पूरी तरह से ऑर्गेनिक होनी चाहिए। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि पशु को एडिटिव्स यानी कि दूध बढ़ाने के लिए जो कुछ दूसरी दवाइयाँ सप्लीमेंट होते हैं वो तो नहीं दिए जा रहे, उसमें कोई ख़तरनाक केमिकल तो नहीं है, ये भी उसमें एक जांच का दायरा होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें पशुओं की दवाइयों की, क्योंकि जब भी पशु बीमार होता है तो हम उसको कोई ना कोई दवा ज़रूर देते हैं या फिर घर पर उसका घरेलू इलाज करते हैं। अगर हम दवाई दे रहे हैं तो उसमें मानक ये तय करते हैं कि आपने जो दवा पशु को दी है वो एंटीबायोटिक नहीं होनी चाहिए, वो किसी भी केमिकल से बनी नहीं होनी चाहिए, वो प्योर आयुर्वेदिक या जो मानक कहते हैं उसके तहत बनी हुई होनी चाहिए। ये उसके मानक हैं, तब कहीं जाकर आपका पशु तैयार होता है ऑर्गेनिक दूध देने के लिए। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आपने ये सारे नियमों का पालन कर लिया और खुद से ही घोषित कर दिया कि हमारे पशु का दिया हुआ दूध ऑर्गेनिक है। इसके लिए आपको NCONF जो संस्था है गाज़ियाबाद में, वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। वो आपके एक एक पशु के आधार पर आपको सर्टिफिकेट जारी करेगी। ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँट, याक, ये सभी के लिए हो सकता है, लेकिन ये किसी एक डेयरी फार्म के लिए नहीं होता, ये प्रति पशु के लिए जारी होता है। हर पशु की संस्था जांच करती है, उसको खाने पिलाने से लेकर उसकी दवाइयों से लेकर उसके रखरखाव तक, तब जाकर कई महीने की कोशिशों के बाद ये जो सर्टिफिकेट है ऑर्गेनिक मिल्क का, वो उस संस्था से जाकर पशुपालक को मिलता है। तो इसलिए अगर आप सोशल मीडिया से या दूसरे प्लेटफॉर्म से, कुछ डेयरी फार्म से अगर ऑर्गेनिक मिल्क खरीद रहे हैं या मिल्क खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो इन चीजों का ख्याल जरूर रखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है। 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।